बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पांच के पंच में। शाम के पांच बज रहे मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और गुलिस्तान न्यूज पर दिल्ली के स्टूडियो से लाइव। हमेशा की तरह कोशिश हमारी रहेगी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक हमारी नजर कुछ बड़ी खबरों पर रहेगी। कोशिश आज के प्रोग्राम में यह भी करेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कुछ फैसले, कुछ बड़े बयान आपके सामने फटाफट से रखें, आगे बढ़ते चलें। और ढांगरी वो इलाका, साल 2023 की जब शुरुआत हुई थी तो पहले दिन ही बुरी खबर आई थी, वहां से कुछ सवाल उठाए गए हैं पुलिस प्रशासन पर, सवाल सिविल प्रशासन पर, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ उन स्कूलों को लेकर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई हो सकती है जो आज के समय में पेरेंट्स को या अभिभावकों को बहुत ज्यादा परेशान या मजबूर कर रहे हैं कि आप किसी स्पेसिफिक दुकान से जाकर आज के समय में भी किताबें खरीद लीजिएगा। इसके अलावा फीस के मसले पर भी कुछ बयान सामने आए, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। टेलीविजन स्क्रीन पर आप तो हमें देख ही रहे, लेकिन इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे लाइव नशियात हैं, लाइव टेलीकास्ट प्रोग्राम साथ साथ हो रहे हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे पांच के पंच में, और सबसे पहले पांच बड़ी खबरों का रुख करते हैं, यानी टॉप फाइव में आज खास जो बातें हैं वो आपके सामने रखते हैं, जो खबरें सबसे ज्यादा पढ़ी देखी जाने वाली, जिन पर डिबेट्स, डिस्कशन या फिर सबसे ज्यादा जिन पर हमारी वेबसाइट पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप देखते हैं, पसंद करते हैं। तो शुरुआत टॉप फाइव के साथ, पहली खबर नई दिल्ली से, जहां पर हंगामा शाम होते होते भी मचा, गिरफ्तारियां हुई, प्रदर्शन हुए, और ये प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से शुरू किया गया और कई विपक्षी नेता भी लगातार बयान भी दे रहे थे और सामने भी आ रहे थे। कांग्रेस और बाकी कई जो विपक्षी दलों के नेता हैं या सांसद, विशेषकर राहुल गांधी, जिनको लोकसभा की सदस्यता खत्म करने के बाद काफी ज्यादा हंगामा मचाया, और पिछले हमने 72 घंटों के दौरान प्रदर्शन भी देखे, बयान भी देखे, कार्यक्रम भी देखे दिल्ली के अंदर विशेषकर, और आज देशभर के अंदर भी कांग्रेस की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा किया गया देखने को मिला। लेकिन संसद के अंदर की बात हो या बाहर की, तो आज एक बार फिर से अयोग्य जब से ठहराया गया है राहुल गांधी को, उनके सदस्यता खत्म की गई लोकसभा से, तो उसके बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट संसद के भीतर पहुंचा, वहां भी हंगामा काफी ज्यादा। और आज के, हालांकि प्रदर्शन पहले से भी हो रहा था, लेकिन आज के जो प्रदर्शन थे या कार्यक्रम, उनकी खास बात यह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ साथ सोनिया गांधी, उन तमाम लोगों के साथ थी जो काले कपड़े पहनकर आज दिल्ली के अंदर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा कर रहे थे, और अलग अलग कई दल भी इनके साथ आए। राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था काले कपड़े पहनकर, आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की तरफ से युवा मोर्चा ने जहां पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो प्रदर्शन करेगा, और इन सब के बीच में सबसे पहले संसद भवन के परिसर में जहां पर महात्मा गांधी की का जो स्टेचू है उनके सामने प्रदर्शन सुबह सुबह देखने को मिला। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रदर्शन आगे बढ़ा, और हमने इन सब के बीच में सोनिया गांधी भी देखी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के कई सांसद जो कि आज इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। मांग ये की कि आप जो सवाल पूछे गए हैं सरकार उन पर जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ राहुल गांधी के खिलाफ की गई जो कार्रवाई है वो भी कानून के मुताबिक नहीं है, इस पर भी हवाला दिया जा रहा, और लीगल तरीके से इस पर फाइट आगे कंटिन्यू करेंगे, ये कांग्रेस साथ साथ कह रही है। तो दिन भर हंगामा, यानी आज भी संसद नहीं चल सका, लगातार टाइम वेस्ट वाली बात हो रही है संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। टॉप फाइव में दूसरी खबर जो कि दो बड़े देशों को लेकर है, यानी ईरान और सऊदी अरब की, दो बड़े देश सामने आ रहे हैं, और कोशिश यह है कि दोनों देश जब आगे आए तो अरब देशों के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर को वापस लाने की कोशिश जो पहले हुआ करता था वो दोबारा से की जा सके। और इन सब के बीच में रमजान के महीने में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है, यानी दो कट्टर दुश्मन देश सऊदी अरब और ईरान, जो शायद अब तक सामने आना भी या एक दूसरे को पसंद करना भी, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, अगर दोनों में से एक कोई अमेरिका के साथ बैठक कर लेता, किसी एक के मुद्दे पर चर्चा होती तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन दोनों ईरान और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। और रमजान के महीने पर, जहां पर इस्लाम में पाक महीना इसमें इसको चुना गया है, और इस मौके पर इस्लामिक दुनिया में एकता की पहल तेज करने की कोशिश और एक अलग संदेश अरब दुनिया को देने की कोशिश इस बार है, और पूरे विश्व को भी। सऊदी अरब जहां लंबी दुश्मनी भूलकर सीरिया से फिर कूटनीतिक रिश्ते पहले से ही हमने देखा कि ईद से पहले ही शुरू करने जा रहा है, बातें पहले से क्लियर कर दी गई हैं, दोनों तरफ से एम्बेसी से बयान आए, लेकिन एम्बेसीज का यानी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अब तक जो काम कर रहे थे उससे पीछे हटकर एम्बेसीज खोलने का भी अब फैसला दोनों की तरफ से किया गया है। लेकिन सबकी नजरें पहली बैठक पर, जहां चीन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और दूतावास जब खुलेंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी,
व्यापार होगा, एक दूसरे पर जो कारोबार का सिलसिला वो चलेगा, एक्सचेंजेस चीजों का होगा कि होगी, तो उसके बाद शायद रिश्ते और भी मजबूत हैं, जिसके लिए पहले से इशारे दिए जा रहे हैं। तो ईरान और सऊदी अरब के जो पहले विदेश मंत्री थे उनकी मुलाकात के साथ साथ खबर ये भी आ गई है कि रमजान के इस महीने में या दूसरे हफ्ते में जो कोशिश की जाएगी कि दोनों जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्री हैं, मुलाकात भी करें। ये टॉप फाइव में दूसरी खबर थी इस वक्त की, जहां टॉप फाइव में आपके सामने रखी। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर, विशेषकर लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए। आलिया मीर को आपने देखा होगा, सुना भी होगा और कई बार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल अपने कामकाज को लेकर रहती हैं तस्वीरें, वीडियोस, कि पहली वो ऐसी विमेन है, पहली ऐसी खातून है या पहली ऐसी महिला है जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर है, जो कहीं पर सांपों को रेस्क्यू करते हुए कहीं पर ऐसे खतरनाक जानवरों को उनके साथ अपनी जान पर खेलकर उन जानवरों के करीब जाना, उनको खाना देना या फिर उनको रेस्क्यू करने का काम या ये जिम्मेदारी उनने कई वर्षों से संभाली है। आलिया मीर जब प्रशासनिक स्तर पर भी काफी ज्यादा उनकी हौसला अफजाई होती रही, उनके लिए इससे पहले भी हमने देखा कि कई अवार्ड्स उन्होंने लोकल लेवल पर जीते, लेकिन आलिया मीर जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर वाइल्ड कंजर्वेशन अवार्ड, पहली ऐसी महिला बनी है जिनको प्रशासन की तरफ से दिया गया है, और कंजर्वेशन में, वाइल्ड लाइफ में या ये जो काम उन्होंने शुरू किया है इसमें जम्मू कश्मीर के अंदर, प्रांत के अंदर, सूबे के अंदर जो जबरदस्त उनका काम है और एनिमल रेस्क्यू का काम जो उन्होंने शुरू किया, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से वाइल्ड लाइफ ऑनर अवार्ड उन्हें दिया गया है। उनकी जबरदस्त सेवाएं रही हैं। आलिया जो कि पहली कश्मीर प्रोविंस से या जम्मू के अंदर कोई भी इससे पहले इस तरह का कोई काम नहीं करता था, विशेषकर जब महिलाओं की बात आती है तो आलिया जो अलग अलग हिस्सों के अंदर आमतौर पर नजर आती हैं सांपों को रेस्क्यू करते हुए या फिर इसके अलावा भालू, शेर, कोई भी खतरनाक जानवर हो, अपनी जान हथेली पर रखकर वो इन सब का रेस्क्यू करती है, यानी वो इतनी जानों को कीमती समझती हैं कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम उनके साथ हो ना हो खुद काम करती हैं, खुद पहले पहुंचती हैं, बाकी लोग बाद में। और वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी मनाया जा रहा था तो इस समय पर एक बड़ी अचीवमेंट उनके लिए भी, उन्होंने इस पर खुशी का भी इजहार किया, कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा अब तक का अवार्ड है कि अपने लेवल पर जहां वो काम करती हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ SOS प्रोग्राम का हिस्सा बनकर भी उन्होंने इस हिमालयन रीजन के अंदर कई बड़े काम किए हैं और इस काम को आज प्रशासनिक स्तर पर भी सराहा गया, उन्हें आज वाइल्ड लाइफ अवार्ड से भी नवाजा गया जो सबसे बड़ा अवार्ड इस क्षेत्र में है फॉरेस्ट्री डे के मौके पर। ये चौथी खबर आपके सामने, चौथी खबर जम्मू से, जहां पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और प्रदेश में जैसे जैसे मौसम बेहतर हो रहा है तो जम्मू से बाकी देश के कई बड़े शहरों में फ्लाइट्स के जरिए और भी जाना आसान होगा, यानी आज शुरुआत इसकी कर दी गई है 27 मार्च को, और जम्मू एयरपोर्ट से जहां तय शेड्यूल के मुताबिक, समय के मुताबिक अब जो फ्लाइट्स हैं वो नए सिरे से शुरू होंगी, अक्टूबर तक ये सिलसिला चालू रहेगा और विंटर शेड्यूल के अंतर्गत मंदिरों के शहर कहलाने वाले जम्मू में 24 फ्लाइट्स के जरिए 6 शहरों से ये तमाम जो इस बार फ्लाइट्स हैं वो जाएंगी, इनमें शेड्यूल से 7 शहरों के लिए 25 फ्लाइट्स मिलने वाली हैं। जम्मू एयरपोर्ट भी उस लिस्ट में डाल दिया गया जहां पर ये विशेषकर फ्लाइटें चलेंगी। इस बार जम्मू से देहरादून के लिए भी उड़ान 28 मार्च से शुरू होगी, यानी कल इसकी शुरुआत होने जा रही है और जो एक हफ्ते में 3 दिन चलेगी, ये इस बार फैसला प्रशासन ने कर लिया है। इसका किराया 3400 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक रखा गया है और शेड्यूल में जम्मू देहरादून के बीच एयर कनेक्टिविटी फिर से बहाल की जा रही है, ये फैसला प्रशासन ने ले लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी तक जो फैसले लिए जा रहे थे, अलग अलग कई कंपनियां सामने आ रही थी, एविएशन अथॉरिटी से बात कर रही थी, तो उन एविएशन कंपनियों की तरफ से फ्लाइट जो है वो शुरू करने की बात कही जा रही थी, तो अब उस पर मोहर भी लग चुकी है। तो 3 दिन, मंगलवार, वीरवार और साथ ही शनिवार को, यानी सैटरडे तक, ये जो 3 फ्लाइट्स हैं देहरादून से, फ्लाइट नंबर 9 जो कि 8 जो शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास जम्मू पहुंचेगी और वापसी में फ्लाइट जो है वो फ्लाइट नंबर 9858 जम्मू से 5:30 बजे देहरादून के लिए उड़ान भरेगी। यह सिलसिला शुरू कर दिया गया है। 42 सीटर विमान होगा, यानी 42 सीटर ये स्पेशल प्लेन होगा जिसकी क्षमता या जिसकी कैपेसिटी जो है बाकी विमानों से कम जरूर होगी, लेकिन स्पेशल फ्लाइट के तौर पर इसको देखा जाएगा, जो इस बार कोशिश है हफ्ते में 3 दिन। तो बाकी 6 शहरों के साथ साथ सबसे पहली जो कोशिश थी, इससे पहले हैदराबाद के लिए, नई दिल्ली तो फ्लाइट्स आती ही थी लेकिन हैदराबाद के लिए शुरू की गई थी, अब जो फैसला है उस फैसले के मुताबिक कल से देहरादून के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएंगी जम्मू के एयरपोर्ट से और हफ्ते में 3 फ्लाइट चलेंगी। किराया 3400 से 4500 के आसपास। पांच के पंच में पांचवी और बड़ी खबर, जिस पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जिस पर सरकार लगातार नजर रख रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रही। भारत के अंदर एक और रिकॉर्ड बना है, 1800 कोविड
के केसेस, पिछले काफी समय से केसेस नहीं आ रहे थे, लेकिन लगातार जो दूसरा दिन बीता है, कल भी केसेस ज्यादा थे, आज नया रिकॉर्ड बना, 1800 प्लस केसेस आए, और महाराष्ट्र के अंदर जहां पर पिछली कोविड की जो लहर थी सबसे ज्यादा डेथ्स हुई थी, सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, वहां पर 397 केसेस सामने आए। 5 केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर, जो अभी तक हम देख रहे थे एक महीने तक पहले तक, लेकिन पिछले 24 घंटों में 13 केसेस कश्मीर प्रोविंस से, इसी तरीके से एक दर्जन के आसपास जम्मू प्रोविंस से भी केसेस सामने आए हैं। ये सारी सिचुएशन दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक ही है, कोविड पर भी सरकार की नजर है, केंद्र सरकार की या जो स्वास्थ्य विभाग है या मंत्रालय है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि XBB.1.16 एक नया ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो भी काफी ज्यादा देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर डिटेक्ट किया जा रहा है, जिसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। और आज एक और बच्ची की मौत की भी खबर आई उस वायरस से, जिसको H2N3 का नाम दिया गया था। 1805 नए केसेस आए हैं। अच्छी बात यह है कि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस पूरे देश के अंदर 10,300 तक पहुंच गए, और डेली जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो 3.19 है। केंद्र सरकार की तरफ से ये जो आंकड़े वो जारी कर दिए गए हैं। चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा महाराष्ट्र सबसे ज्यादा केसेस हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 5 महीनों में जो रिकॉर्ड टूटा है वो कम होना, अभी तक हम देख रहे थे केसेस कम है, लेकिन ये केसेस अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हैं। 13 केसेस पिछले 24 घंटों में, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोरोना से प्रभावित लोगों की 4,79,631 तक संख्या पहुंच गई है। 4,785 लोग अब तक पिछले 2.5-3 वर्षों में अपनी जान गंवा बैठे। तो पांच के पंच में 5 बड़ी खबरें यानी टॉप 5 आपके सामने रखी। शुरुआत अब खबरों की, फटाफट से आपको जम्मू कश्मीर को लेकर पहली खबर बताते हैं कि राज्यसभा के अंदर भी लोकसभा के बाद जो वित्त विधेयक था यानी जो बजट था जम्मू कश्मीर का, वो पारित कर दिया गया, वो पास हो गया। हंगामे के बीच बजट पर चर्चा नहीं हो सकी, इसके बिना ही यानी बिना किसी बहस के जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पास किया गया। विपक्ष की तरफ से, ओपोजिशन की तरफ से जबरदस्त हंगामा आज भी जारी रहा, और कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा को ये बिल जो है वो वापस भेज दिए गए। सदन में बिना किसी चर्चा के जम्मू कश्मीर का जो सामान्य बजट है यानी यूनियन टेरिटरी का बजट, जो पिछले दिनों 13 मार्च को पेश किया गया था, जिस पर बहस भी होनी थी, बात भी रखी जानी थी, लेकिन आज जब इसको लोकसभा के बाद राज्यसभा में रखा गया तो वापस इसे लौटा दिया गया, लेकिन पारित होकर और हंगामे के बीच में ही ये पास हुआ। और इसके बाद सभापति ने, जिनने अनुमति भी दी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, साथ ही ये जो विधेयक था 2023 का वित्त विधेयक, विशेष का जो बजट जिसको आम जुबान में जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी का ये चौथा बजट था, वो पेश किया गया। और इस दौरान जबरदस्त हंगामे के बीच कोई इस पर कोई अपनी बात, कोई सवाल नहीं रख सका। जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल जो था वो आज, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा अगले एक साल के दौरान खर्च होना है, वो पास कर दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। अब 50% के आसपास जो बजट है एलोकेशंस, वो जल्द सरकारी महकमों को दे दी जाएंगी, ये पहले से वित्त मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है। लेकिन बिना किसी डिबेट डिस्कशन के और अडानी वाले मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, इन सबके बीच में बिल आज पेश तो हुआ लेकिन कोई इस पर बहस नहीं हुई, पास करना पड़ा। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि लोकसभा के अंदर बिना किसी बहस के, शोर शराबे के बीच ये बिल पास हो गया था। तो आज कई इस तरह की अमेंडमेंट्स, जो ऑफिशियल अमेंडमेंट्स थी वो सारी बातें, लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा कि काफी नारेबाजी, हंगामा विपक्ष की तरफ से, और दूसरी तरफ जवाब देने की कोशिश, इन सब के बीच में बिल पेश कर दिया गया। अडानी हिंडनबर्ग जो मामला है, जो रिपोर्ट आई थी, उस पर विपक्ष मांग कर रहा है कि आप रिपोर्ट तैयार कीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा जो रिपोर्ट आई है कि कैसे ये सारे मामले पहुंचे। इसी मामले के बीच जम्मू कश्मीर का बजट, जो कि दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन अभी तक डिबेट्स या डिस्कशंस जो हैं वो इस पर नहीं है। तो शेड्यूल के मुताबिक लोकसभा के बाद राज्यसभा के अंदर आज पास हुआ और वापस इसे लोकसभा के लिए भेज दिया गया है। चलिए बात जम्मू कश्मीर के स्कूलों की। बहुत सारे इलाकों से शिकायतें आ रही थी और इस पर एक और ताजा बयान सामने आया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का, जिनका ताजा बयान बताता है कि स्पेसिफिक दुकानों से किताबें खरीदने पर जो कहा जा रहा है उस पर पेरेंट्स को जो मजबूर किया जा रहा है, उन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिलाया, ये भी यकीन दहानी कराई गई कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो निजी स्कूलों के अंदर कामकाज करते हैं। आश्वासन दिलाया गया कि अगर जो जरूरत से ज्यादा या कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वायलेशंस करते हैं FFRC के रूल्स रेगुलेशंस की, तो फीस ज्यादा, चाहे इनमें ट्यूशन फीस हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो, सारी मिलाकर जो फीस बच्चों से ज्यादा लेने की बात या शिकायतें बहुत सारे इलाकों से सामने आ रही थी, उस पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया।
विशिष्ट जो दुकानें हैं, स्पेसिफिक दुकानें हैं, वहां से किताबें खरीदने के लिए पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर का बयान, निजी स्कूलों को लेकर भी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो किताबें हैं उनके मुताबिक अपनाने का स्पष्ट आदेश है, यानी ऑर्डर्स जो हैं वो क्लियर हैं। हमने पहले से जो पेपर्स थे उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जेके बोस के जो अध्यक्ष हैं वो नियुक्त किए गए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा स्कूल एजुकेशन ने निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन फिर से दिया, क्योंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर चाहे जम्मू हो कश्मीर हो पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पहले तो फीस वो भी स्ट्रक्चर लगातार बढ़ाया जा रहा है, FFRC का हेड नहीं है, ये सारी चीजें इन सब के बीच में बढ़ रही थी और पिछले दिनों FFRC का हेड भी यानी नए चेयरपर्सन भी बना दिए गए। उन सब के बीच में एक ताजा बयान जिसमें कहा कि माता पिता की परेशानियां दूर होंगी, एक तो वो लोग जो मजबूर करते हैं पेरेंट्स को, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के मुताबिक कि कहा जाता है कि आप स्पेसिफिक स्कूलों से जाकर स्पेसिफिक दुकानों से लेकर किताबें लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और साथ ही साथ ये जो शिकायतें हैं, कोई भी विशेष शिकायत इस तरीके से मिलती है अगर आगे आती है तो संबंधित CEO या साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, उनके पास अपनी शिकायत लोग दर्ज कराएं, स्कूलों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। संस्थान कोई भी होगा लेकिन कानून से ऊपर नहीं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने क्लियर कर दिया और फिर से वार्न किया गया आज तमाम प्राइवेट स्कूलों को जिन पर बहुत सारे आरोप थे और शिकायतें पेरेंट्स की तरफ से की जा रही थी। चलिए बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ढांगरी के अंदर। शुरुआत में मैंने बताया कि जहां पर बिल्कुल भी अच्छी खबर साल 2023 के शुरुआती दिनों में नहीं आई थी, लेकिन ढांगरी राजौरी में उन पीड़ितों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की जिनके 6 से 7 लोगों की मौत 1 और 2 जनवरी को ही थी। धमाका हुआ था, फायरिंग की गई थी और पुलिस की तरफ से जांच के आदेश दिए गए, मामला NIA को दिया गया और इसमें यह भी अभी तक कहा गया कि पाकिस्तान से या सीमा पार से आतंकी आए थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन इन बयानों से ये तमाम लोग सहमत नजर नहीं आ रहे। राजौरी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ढांगरी राजौरी के तमाम वो मुतासरीन या जो पीड़ित थे उन्होंने नाराजगी जाहिर की। प्रेस वार्ता में उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पैसा और नौकरी वापस लौटाना उनके लिए अब बिल्कुल भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो ये करने जा रहे हैं, यानी सरकार ने जो पैसा दिया है और नौकरियों के वादे और जो ऑर्डर्स दिए हैं वो हम सरकार को वापस देंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन के जो बयान हैं, पुलिस निदेशक के जो बयान हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए, एक तो ये कि पीड़ित जो अपने सरकार से जो उनको पैसा दिया गया वो वापस इसलिए भी देने की बात कह रहे हैं कि अभी तक इन लोगों को 3 महीने खत्म हो गए, इंसाफ नहीं मिला। बातें तो बहुत सारी की गई लेकिन इन लोगों के अनुसार अभी तक सिर्फ नौकरी या फिर पैसे के अलावा कोई इस तरीके से बात नहीं की गई, सिवाय इसके कि ये तमाम लोग या आतंकी जो थे पाकिस्तान से आए थे और अगर ऐसा था तो फिर नीचे वाले एरिया जो ढांगरी के हैं उस तरफ अगर कोई भागता है, ऑपरेशन भी चलते हैं, तो सारे लोग बेनकाब क्यों नहीं हुए जिन्होंने इन लोगों को पनाह दी, यहां तक पहुंचाने में जिनकी मदद की। ढांगरी के पीड़ित जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इससे पहले हम ढांगरी पर और बात करें, उन लोगों की बात सुनते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें हमने वो तमाम लोग देखे जिन्होंने किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी भाभी और किसी ने अपना बेटा खोया है या किसी का बाप चला गया। तमाम 7 लोगों की मौत जिस इलाके के अंदर हुई थी उस इलाके से राजौरी टाउन के अंदर पहुंचकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल प्रशासन से पूछे गए लोगों की तरफ से। मेरे बच्चों को गए हुए आज 90 दिन हो गए, लेकिन आए दिन तक हमें कोई भी एजेंसी की तरफ से किसी किस्म की कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही है कि आपका केस कहां तक पहुंचा है, कहां तक नहीं पहुंचा है। और ऊपर से हमारे DG साहब ने ये बता रहे हैं हमें कि जो मिलिटेंट थे वो पाकिस्तानी थे और वापस पाकिस्तान में चले गए हैं। हमें ये इंसाफ उनकी तरफ से मिल रहा है? हम तो कुछ और ही सोच विचार करके बैठे हुए थे यहाँ पे कि हमारी जो एजेंसियाँ इतनी बड़ी एजेंसियाँ हमारे लिए लगाई गई हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ पे वो ठहरे हैं जिनके घरों में उन्होंने खाना खाया रात में और उधर उन्होंने जो भी किया रात को, वो घर वाले आदमी हमें चाहिए। और जो आदमी ने हमारे बच्चों का जिन्होंने कातिल किया है, सिर्फ हमें वो सरकार से हमारी यही विनती है। 2 दिन पहले हमारे DGP साहब बयान करते हैं कि जो मिलिटेंट ढांगरी से आए थे वो पाकिस्तान के थे। बड़े दुख हुआ ये उनकी स्टेटमेंट हमने सुनते हुए
कि आप जब ये इंसिडेंट हुआ था तो आप ये कह रहे थे तीसरे दिन कि हम 80% जो है वो केस को हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी इंसिडेंट जब मिलिटेंट करते हैं तब जंगल की ओर जाते हैं वो कोई भी इंसिडेंट करने के बाद, लेकिन ये ढांगरी में पहला इंसिडेंट हुआ है जिसमें जो मिलिटेंट हैं ये नीचे की ओर आए हैं और हर एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है। साढ़ा इंसाफ है कि साढ़े काल जाए उग्रवादी ने कहने के बच्चे मारे ने साढ़े तो उस साढ़ा कोई फैसला आई सिस्टम में कोई किसी अस कुछ नहीं कहने से जी एक महीने का असें जो दो महीने जो अस भी आई सिस्टम कुछ नहीं असें जो कुछ दिता ना अस उन्हें वापस करना चाहते जड़े उन्होंने पैसे दिते असें अज अपना अकाउंट नंबर देन अस उसी अकाउंट नंबर पाई देने असें पैसे की कोई जरूरत नहीं असें चाहिए साफ साफ अपना इंसाफ सारा बस एक ही लक्ष्य यहाँ आने का कि हमें बस इंसाफ चाहिए। आज 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने हो चुके हैं हेड, और फिर भी 3 महीने के अंदर पहले बोले डीजीपी साहब बोल रहे थे एसएसपी साहब बोल रहे थे नहीं जी 60% केस हो गया 80% हो गया, और 3 महीने के बाद आज बोल रहे नहीं जी बाहर से लोग आए और मार के चले गए। बाहर से आए चलो ठीक है मान लेते हैं, हवा से आए हैं तो बताओ वो हवा वाला रूट कौन सा था उनका, ज़मीन से आए हैं तो ज़मीन वाला रूट कौन सा, आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि बाहर से आए हैं तो ये रास्ता भी कन्फर्म होगा आपको कौन से रास्ते से आए थे और किस एजेंसी के थ्रू आए थे वो भी पता होगी, फिर किसके थ्रू वापस गए हैं वो भी पता होगा। अगर इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो वो सारी डिस्क्लोज कर दो ना, फिर हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है बाहर से आए थे मार के इस तरह से एग्जीक्यूट करके निकल गए। आप सबूत तो दे नहीं रहे, सिर्फ हवा में बात करके निकल रहे, स्लिप कर रहे हो, सिर्फ इसको पर्दा डाल रहे हो, केस को पर्दा नहीं डाला गया। हमारी डिमांड बस यही थी जस्टिस की, अगर नहीं कर सकते तो वो सीधा बता दो कि हमारे बस की बात नहीं। चलिए ढांगरी के पीड़ित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सवाल कई पुलिस प्रशासन से सिविल प्रशासन से पूछे गए, इस पर और भी बात करेंगे। हमारे साथ धीरज शर्मा जी हैं, सरपंच है ढांगरी के, जिस इलाके के अंदर ये इंसिडेंट हुआ और 3 महीने बीत गए और अब एक बार फिर से सवाल उठाए गए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धीरज जी ये जो सवाल पूछे जा रहे थे कितनी इसमें सच्चाई है कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सिवाय दो चीजों के, एक पैसा दिया गया और नौकरी का वादा किया गया, उसके लिए ऑर्डर्स दिए गए सारी चीजें, और यहां तक कि हमने देखा कि कई टीमें भी इस इलाके का जिनमें एनआईए की टीम भी थी वो भी पहुंची, खुद होम मिनिस्टर पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर गए, बीजेपी कांग्रेस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम पार्टियों के हमने वरिष्ठ नेता यहां जाते देखे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था कार्रवाई कहां तक पहुंची, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं शायद आपसे कोई टच हुआ हो टीमों का जो इलाके का दौरा करके जायजा ले रही थी, कहां तक ये इन्वेस्टिगेशन का सारा मैटर पहुंचा है जिस पर आज सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए आज 3 महीने हो रहे हैं बराबर जी, तो उसमें आपको मैं बताता चलूं कि 3 महीने में हमें आज तक जो है कोई भी कहीं जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं तक बस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम जब भी उनसे पूछते हैं कहां तक केस पहुंचा हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू आवाज डबलिंग आ रही है सर, बोलिए बोलिए आप, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी हाँ जी, तो इसमें जो सबसे पहली जो आज जो है 2 दिन पहले हमारे डीजीपी साहब कहते हैं कि जो डांगरी में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान के लोग जो है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की है जी। जनाब आज 3 महीने हो गए बराबर, हम ये देख रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद थी कि जो इस वक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी कर रही है, पुलिस जो है वो भी कर रही है, या जितनी बाकी एजेंसियां हैं वो भी लगी हैं सारी, हमें ये पूरी उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी जो बताने जा रहे हैं 2 महीने पहले जब ये कहते हैं हमारे डीजीपी साहब 1.5 महीने पहले कि हम 60% 70% 80% तक पहुंच गए हैं जी, हमें ये पूरी उम्मीद थी कि हमें ये जो सिस्टम है बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम जब हम किसी भी तौर भी अगर ये एजेंसियां कर रही है काम करेंगे तो हम अगर उनको बताएंगे 80% बताइए कहाँ पर है तो वहां पर गलत हो जाता है, जब वो बताएंगे तो उनकी इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आएगी, हमने कहा आप 100% पूरी करके हमें बताएं, लेकिन उसका ये नतीजा हुआ कि हमें 2 दिन पहले हमें ये एक जो हमारे डीजीपी साहब हैं उन्होंने ये बयान आता है उनका कि जो ढांगरी में इंसिडेंट हुआ, अब इनका मतलब सीधी सी बात मैं आपको बताता चलूं, हमारी एजेंसियां जो हैं वो क्लियर कर चुकी हैं कि ढांगरी में जो सक्सेसफुल नहीं रही है वहां तक या पहुंचे नहीं है या हमें बता नहीं रहे, इसके पीछे रीजन क्या हमें नहीं पता है। एक चीज और बताइएगा, आप कह रहे हैं कि सिर्फ बयान दिया गया और कुछ नहीं हुआ, ये जो टीमें दौरा कर रही थी एनआईए की टीम है
राजौरी पुलिस भी लगातार केस में सारी डिटेल्स कलेक्ट करके कंसर्न लोगों तक पहुंचा रही है, टीमों तक पहुंचा रही। अब इलाके के अंदर जब जाती टीमें जाती हैं तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा आप भी होंगे, आपसे कोई जानकारी ली गई होगी, आपसे कुछ सवाल पूछे गए होंगे। गांव के जितने भी लोग थे, बहुत बड़ी आबादी इस गांव की है जो बताया जा रहा है, वहां पर लोकल लेवल पर क्या हुआ है, उसका कोई नतीजा अभी तक पुलिस अफसरान की तरफ से कोई जवाब इस पर दिया गया है और कोई टाइम फिक्स किया गया है कि इतने समय के अंदर रिपोर्ट तैयार होकर सामने आ जाएगी? देखिए, जहां बात रही हमारी, हमारी जितने भी लोग यहां पर हैं सभी ने कॉपरेट किया है। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहां पर आई है उसने अपने बयान जो है वो रिकॉर्डेड किए हैं, सभी लोगों ने दिए, उसमें मेरा बयान भी है, हमारे यहां के लोगों का भी है, जो उस समय जब इंसिडेंट हुआ था जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनके भी बयान भी रिकॉर्डेड किए गए हैं, फैमिलीज के भी, जो विक्टिम फैमिलीज है उनके भी किए हैं, आस पास के लोगों के भी किए गए हैं। लेकिन ये खाली रिकॉर्ड ही हो रहे हैं, जा कहां रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है वो हमें समझ नहीं आ रही। और हद यहां तक हो गया है कि दो दिन पहले एक जम्मू कश्मीर के हमारे डीजीपी साहब ये क्लियर कर चुके हैं कि पाकिस्तान से लोग आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी बात करने के लिए हमारे साथ, अपनी बात रखने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ चीजें रखी गई और धीरज शर्मा जो सरपंच है उसी इलाके के अंदर, इसके बाद हमने देखा सिक्योरिटी के काफी ज्यादा इंतजाम बहुत सारे इलाकों के अंदर नजर आए, सीआरपीएफ की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट और इसके अलावा विलेज डिफेंस गार्ड्स या जो पुरानी कमेटियां थी उनको दोबारा से सामने लाया गया, उन तमाम लोगों को, पुराने हथियारों को साफ करके हमने देखा कि नए सिरे से ट्रेनिंग और ये जो कैंप्स थे वो लगाए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से। लेकिन सवाल उस इन्वेस्टिगेशन पर कि आखिर आपने इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की है, कार्रवाई कहां तक पहुंची उस पर भी जवाब दीजिएगा, और डीजीपी के बयान से सहमत लोग नजर नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं, बात कश्मीर की करते हैं, दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर का कुलगाम जिला, जहां से तस्वीरें बड़ी तकलीफ पहुंचाने वाली सामने आई हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जहां दमहाल हांजीपुरा या डीएचपुरा जिसको कहा जाता है, या हरे सोने की लूट कैसे जारी है या आप खुद अंदाजा तस्वीरों से लगा सकते हैं, आगे चलकर आपको बताएंगे। दमहाल हांजीपुरा के जंगलों में जहां पर जो स्मगलर्स हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और तस्करों ने इस इलाके के अंदर क्या तबाही मचाई है, तस्वीरें आपके सामने, और खुद अंदाजा लगाइएगा कि किस कदर यहां पर शायद बहुत सारे लोगों को या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री है, उनको पता तक नहीं लगा होगा, लेकिन इस इलाके के अंदर कैसे सब सोने की लूट मचाई गई है। वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि खामोशी इतनी क्यों अगर इतना कुछ हो रहा है इस इलाके के अंदर, जो कि हम पत्रिका दमहाल हांजीपुरा का ये जो हम पत्रिका इलाका है, जंगलों का एक बड़ा हिस्सा साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया गया है और सवाल अब उस परफॉर्मेंस पर उठ रहे हैं जो डिपार्टमेंट की है कि इतना कुछ हो गया, तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई या नहीं, इस पर क्यों नहीं जवाब, और तस्करों को इतनी खुली छूट क्यों जंगलों के अंदर वन विभाग ने दे रखी है कि शायद वो इसकी नजरों से ओझल है, इतनी काफी ज्यादा नुकसान, तस्वीरें आपके सामने। सीधा कुलगाम चलते हैं, हमारे साथ अब्दुल हमीद इस वक्त ज्वाइन किए हैं, संवाददाता हैं। अब्दुल हमीद, और डिटेल्स दीजिएगा, क्या इस पर कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? लोग तो पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफी तकलीफ पहुंचाने वाली, अजियत पहुंचाने वाली हैं, इस पर स्टेक क्या है, क्या टेक अभी तक है डिपार्टमेंट का, और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं किसी की निशानदेही हो सकी है? यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड है दमाल हाजीपुरा की अगर हम बात करें, हम पथरी में जहाँ पे ये वाका पेश आया है, जहाँ पे बेतहाशा इन दरख्तों को काटा गया है, जहाँ पे काफी सारा नुकसान हुआ है, जो कौमी असासा है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, और जो हमारा माहौलियाती निजाम है उसको धर्म भरम करने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर बना दिया गया है, उसके हवाले इस कंपार्टमेंट को कर दिया गया, 17M जो कंपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिया गया, उसने इस कंपार्टमेंट में बेतहाशा दरख्तों को काट दिया है। वहां पे अगर मुकामी लोगों की बात करेंगे, मुकामी लोगों का कहना है कि ये फॉरेस्ट गार्ड और स्मगलरों के बीच का मामला है, उन्होंने तायबाई करके इस काम को अंजाम दिया है, ये जो दरख्त वहां पे है, ये जो हमारा कौमी सरमाया है इसको जाया करने की कोशिश की जा रही है। और जब हमने ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले की ओर देख रहे हैं, तो इसमें देखें कि कौन मुलविस है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। मगर अगर हम बात करें कि इससे पहले भी कई सारे मामला ऐसे पेश आए, उनके खिलाफ भी कहां तक कार्रवाई हुई, ये जो हमें यहां पे कंसर्वेटर से हमने बात की, उसने कहा कि जंगलों की हिफाजत हमारे डिपार्टमेंट। अब्दुल हमीद, डिपार्टमेंट इस पर क्या कह रहा है, कोई हाथ भी लगा है या खाली सिर्फ बातें हो रही है? तस्वीरें तो जो सामने आई है वो सब देख रहे हैं, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? डिपार्टमेंट तो अभी खाली पाप के घोड़े दौड़ा, हमें यही लग रहा है कि अगर कुछ होता, कोई कार्रवाई होती इससे पहले भी, जो जो दरख्त काटे गए हैं, अगर कार्रवाई हुई होती
अगर कार्रवाई हुई होती तो अब आज ये काम अंजाम नहीं दिया जाता। स्मगलरों की हिम्मत ही नहीं होती वहां पे, जो हम वहां पे गए हमें भी खतरा लगा कि कोई हमारे ऊपर भी कोई हमला ना कर दे, क्योंकि ये कुल्हाड़ी लेकर शाम को चले जाते और सवेरे वहां से जंगल से वापस। अभी ये डिपार्टमेंट ने ये लकड़ी सारी जो है वो कब्जे में ली है, कितनी ये है, कुल दरख्त कितने हैं, क्योंकि ताजा ताजा काटी गई है, कितने तादाद क्या बताई जा रही है ऑफिशियली? अभी कोई तादाद के सामने नहीं आई है, जो हमने देखा कि हजारों की तादाद में यहाँ पे वो पेड़ पौधे जो है काट दिए गए हैं, वो हजारों की तादाद में। अभी डिपार्टमेंट के पास हम गए, डिपार्टमेंट के एक मुलाजिम ने कहा हमने पहले ही यहाँ के डीएफओ कुलगाम को इन्फॉर्म किया है, मगर अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद जानकारी देने के लिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तस्वीरें आपके सामने, सब सोने की कैसे लूट इस इलाके के अंदर दक्षिण कश्मीर में मचाई गई है, और ये तस्वीरें शायद अगर शायद हम गलत ना हो तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन ही गुजरे हों, जो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ताजा ये पेड़ काटे गए हैं, नए पेड़ों की कटाई हुई है, और इस इलाके के अंदर कौन इतने बड़े पैमाने पर एक्टिव है और डिपार्टमेंट को पता तक नहीं है, इसी को लेकर सवाल लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। कंपार्टमेंट नंबर 17 कंपार्टमेंट नंबर ये है जो कि हेमपुरा का है, डीएचपुरा कुलगाम दक्षिण कश्मीर का, लेकिन उम्मीद करते हैं, तवक्को की जानी चाहिए कि जल्द वो तमाम लोग सलाखों के पीछे जाएं या कानून के दायरे में आएं जिन लोगों ने इस तरीके से इस इलाके के अंदर नुकसान पहुंचाया। आज ही हमने एक रिपोर्ट भी आपको बताई थी कि माहौलियात को, वातावरण को नुकसान पहुंचने का मतलब क्या है, कि अगले 10 सालों में जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 4 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। इस तरीके से हालात मुल्क के अंदर बदल रहे हैं जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, तो फिर जब ये सूरत हाल हमारे सामने है ऐसी परिस्थितियों में आप क्या जवाब लेंगे? शायद डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से जाने और कोई उपाय शायद उसके पास हो कि गुनाहगारों को सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए। चलिए कार्यक्रम के आखिर में एक खास रिपोर्ट आपको बताते हैं। तारीखी घंटाघर लाल चौक के अंदर क्लॉक टावर देखा तो आपने होगा हर बार, काफी ज्यादा कश्मीर के अंदर कुछ भी हो तो लाल चौक सबसे पहले जुबान पर आम शहरियों के होता है, और लाल चौक के अंदर 1980 में बनाया गया ये घंटाघर आज 2023 में मार्च के महीने में कुछ चीजों को लेकर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रशासन पर भी है, सवाल श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर भी है, सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर पर भी है, या जो सूबाई इंतजामिया है, डिविजनल इंतजामिया है, उस पर भी है। 4 घड़ियां यहां पर लगी हैं। शहर को खूबसूरत बनाने का जिम्मा जो है वो डिपार्टमेंट ने हाथ में लिया है, श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में इस वक्त है। 66 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर, इनको बेहतर किया जाना है। स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं जम्मू की तरह कश्मीर के अंदर भी, लेकिन एक छोटा सा एरिया जिसका पिछले दिनों मैप जारी किया गया कि इस तरीके से अब यहां लेन्स बनेंगी, फुटपाथ बनेंगे, गाड़ियां किस तरफ से जाएंगी, पार्किंग कहां पर होंगी, आम लोग कहां पर खड़े हो पाएंगे, क्रॉसिंग का रास्ता कौन सा होगा, वो सारी चीजें बताई गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि घंटाघर पर 4 घड़ियां लगी हैं, उनका समय एक साथ चले, घड़ियां एक टाइम पर रहें, ये कौन फिक्स करेगा? 4 घड़ियां टाइमिंग अलग अलग, तारीखी लाल चौक में ये जो घंटाघर है या क्लॉक टावर है यहां पर एसएमसी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? प्रोग्राम के आखिर में ये रिपोर्ट देखिएगा। 5 के पंच में मुझे इजाजत दीजिए, इस रिपोर्ट के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। लाल चौक श्रीनगर का तारीखी क्लॉक टावर या फिर घंटाघर, जिसने कई दौर देखे, कई बादशाहों और सियासतदानों का उरूजो जवाल देखा, और अब उस दौर में दाखिल हो चुका है जिसे नया कश्मीर का नाम दिया जाता है। श्रीनगर का क्लॉक टावर जो मुकम्मल तारीख का चश्मदीद गवाह है। साबिका रियासत जम्मू कश्मीर में तकसीम हिंद के बाद होने वाली खूनरेजी और जम्मू कश्मीर की बदतरीन सियासी तारीख का गवाह भी इस घंटाघर को कहा जाता रहा है या माना जाता है। गुज़श्ता 32 से 35 वर्षों से बहुत ज्यादा खूनरेजी और तशद्दुद का भी गवाह क्लॉक टावर दौरे हाजिर में इंतजामिया की बेहिसी के सबब शायद अपनी तारीख और पहचान दोनों खत्म होता देख रहा है, और क्लॉक टावर महज अब कौमी परचम या सियासी जमातों के झंडों को बुलंद करने का एक मकाम रह गया है, या फिर सियासी जमातों के रहनुमाओं के लिए वो मकाम जहाँ से वो कई बुलंदोबांग दावे या नारे रकम करते हैं। ऐसा हम नहीं, खुद क्लॉक टावर पर होने वाला काम बताता है। दरअसल श्रीनगर के मशहूर घंटाघर लाल चौक में 4 घड़ियां लगी हैं, चारों घड़ियां जिनके औकात मुख्तलिफ हैं, जिसे लेकर आम शहरी सवाल उठा रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग वाली ये घड़ियां, जिन पर सवाल उठे भी क्यों ना, क्योंकि शहरी श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत सरकार या श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करोड़ों रुपए खर्च कर रही है,
श्रीनगर शहर के दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्मार्ट सिटी के तहत पूरा किया जाना है, मगर उन अहम मंसूबों में क्लॉक टावर शायद अब नहीं है। ऐसा तस्वीरें देखकर लगता है क्लॉक टावर पर लाल चौक में लगी सभी घड़ियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अब श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का खराब वक्त चल रहा है और क्लॉक टावर तरजीहात में नहीं है। ये वही श्रीनगर है जहां लाल चौक घंटाघर की अपनी अहमियत है। यहां 1992 में बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी ने उस वक्त की एकता यात्रा कन्वीनियर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तिरंगा लहराया था। मुरली मनोहर जोशी जो उस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडरों में सरफहरिस्त थे। योम आजादी या फिर योम जमहूरिया पर यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी तारीखी लाल चौक पर कौमी परचम लहराए गए और ये मकाम फिर दुनिया भर में सुर्खियों में आया। श्रीनगर के तारीखी लाल चौक में क्लॉक टावर को तिरंगे की रोशनियों से सजाया गया जो एक अलग मंजर पेश कर रहा था। लाल चौक पर तिरंगा लहराने के बारे में हमेशा से तनाजा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से दफा 370 को हटाने के बाद सूरतेहाल मुकम्मल तौर पर तब्दील होने के दावे किए गए और लाल चौक में बने घंटाघर को एक नई पहचान मिली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आला, वज़रा, सियासी, मजहबी, आजादी पसंद या अलहदगी पसंद लीडरान के ऐलान के लिए कभी स्टेज के तौर पर देखे जाने वाला लाल चौक का घंटाघर मौजूदा सूरतेहाल में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरक्याती कामों पर सवाल उठा रहा है और इस तारीखी मकाम की जानिब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी को जाहिर करती है कि कैसे टैक्स देने वालों या सरकारी पैसे को स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है। आप क्लॉक टावर पर लगी अलग अलग घड़ियां जिन पर टाइमिंग भी अलग अलग हैं, इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या इंतजामिया कितनी संजीदा है। मजीद तफसीलात के लिए श्रीनगर से फैसल रियाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रीनगर के घंटाघर के सामने और आपको पता होगा ये जो घंटाघर है पूरे मुल्क में मशहूर है क्योंकि ये लाल चौक जो हमारा बिजनेस हब है उसके बीचों बीच है। और आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी कोई सयाह आता है तो ये घंटाघर जो है उस सयाहों का मरकज रहता है। सियासी रैली हो तो यहीं से स्टार्ट होती है, कोई भी प्रोटेस्ट हो तो यहीं से स्टार्ट होता है। ये मरकज है पूरे कश्मीर का। लेकिन आपको मैं आज एक चौंकाने वाली बात बता दूं कि ये जो घंटाघर है इसमें चार क्लॉक लगे हुए और चारों क्लॉकों में जो है डिफरेंट चार टाइमिंग्स है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त एक साइड है इसका ये क्लॉक जो इस पर लगा हुआ है इस ये जो पूरी तरीके से बैठा हुआ है और राइट साइड जो इसका क्लॉक है उसमें इस वक्त करीबन 12:30 बजे हुए हैं। एक और जो इस बैक साइड का जो क्लॉक है उसमें 1 बजे हुए हैं और जो इस साइड का ये लेफ्ट वाला साइड है इसमें इस वक्त 7:15 बजे हुए हैं। यानी ये जो मशहूर घंटाघर है बिल्कुल लाल चौक के सामने बीचों बीच है इसमें जो चार क्लॉक्स लगे हुए हैं चारों के जो डिफरेंट टाइमिंग है। आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल बड़ा मशहूर घंटाघर है, ये पूरे मुल्क में मशहूर है। जब भी सयाह आते हैं तो पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, जब भी कोई फॉरेनर आता है यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे फोटो खींचता है और मरकज़ रहता है हमेशा सयाहों का या जो यहाँ के लोकल है उनका भी ये मरकज़ रहता है। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि पूरे शहर में इस वक्त स्मार्ट के तहत काम चल रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है उस पर लगाया जा रहा है लेकिन किसी का भी फोकस किसी का भी तवज्जो इन क्लॉक्स पे अभी तक नहीं पड़ा कि काफ़ी टाइम से ये क्लॉक्स बैठे हुए हैं, इनमें कोई टाइमिंग ही नहीं है, एक क्लॉक इनमें बैठा हुआ है लेकिन किसी का भी अभी तक इसमें कोई तवज्जो नहीं रही जो कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। सियासतदान हो वो भी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं, कोई सामाजिक कारकुन हो वो भी सबसे पहले यहाँ पर पहुँचता है, एहतजाज की बात हो तो स्टार्ट यहीं से होता है, सियासी रैली की बात हो तो से होता है लेकिन अभी तक इस घंटाघर के जो क्लॉक है इस पर किसी का ध्यान नहीं गया कि क्यों आज तक इनकी टाइमिंग जो है गलत रही, क्यों इसको आज तक ठीक नहीं किया गया। बड़ा ही अहम सवाल है एडमिनिस्ट्रेशन पर क्योंकि क्यों आज तक इसको इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, क्यों इसको आज तक इसकी टाइमिंग जो है ठीक नहीं की गई। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।